तुलजा भवानी मंदिर के चढ़ावे में 207 किलो सोना, 1280 किलो चांदी और 354 मिले हीरे, 15 दिन चलेगी गिनती। जम्मू कश्मीर के डोडा में आए भूकंप के बाद फिर महसूस हुए 4 झटके, नागरिकों में दहशत। ईडी की गिरफ्तारी के बाद अस्पताल पहुंचे तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी, डॉक्टरों ने दी तत्काल सर्जरी की सलाह। मणिपुर में फिर से हिंसा, खमेन लोक में 9 की मौत, राज्य में इंटरनेट सेवा 15 जून तक बंद। बदल गया दिल्ली का टीन वाला स्कूल, सीएम अरविंद केजरीवाल बोले, अभिभावकों के चेहरे पर दिख रहा है आत्मविश्वास। देहरादून में घर में मिली पति पत्नी की लाश, 3 दिन तक बिलखता रहा 4 दिन का नवजात, पहली पत्नी ने खुला राज। अलीगढ़ में महायज्ञ के दौरान बागेश्वर धाम सरकार, धीरेन्द्र शास्त्री बोले, अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ रखो तब आएंगे। उत्तरकाशी में धारा 144 लागू, डीजीपी बोले, महापंचायत करने और कानून तोड़ने पर होगी कार्रवाई। वनांचल क्षेत्रों में शिक्षा व्यवस्थाओं का किया जा रहा विस्तार, मंत्री श्री अकबर बोले, मुख्य धारा से जोड़ना मकसद। ये जनता की आवाज थी, बेटे संतोष के नीतीश सरकार से इस्तीफे पर बोले जीतन राम मांझी। 2047 तक 10% वार्षिक विकास दर हासिल करने के लिए पंजाब तैयार कर रहा विजन दस्तावेज, हरपाल सिंह चीमा का बयान। कैबिनेट बैठक में बोले सीएम शिवराज, प्रदेश में चल रहा जन कल्याण महायज्ञ, किसानों से किया गया वादा पूरा किया। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल बीएड और डीएलएड प्रवेश परीक्षा 17 जून को होगी, 12,820 परीक्षार्थी होंगे शामिल। जयपुर में अवैध बंजरी खनन रोकने गई टीम पर बजरी माफिया ने किया पथराव, 6 गार्ड घायल। कांग्रेस एक डूबता जहाज जिसमें ना नेता है ना नीति, सीपी जोशी बोले, गहलोत सरकार मुगलिया प्रेमी। बिपरजॉय तूफान को लेकर 8 राज्यों में अलर्ट, गुजरात में एनडीआरएफ की 17 टीमें तैनात। बवाल के बाद शिवसेना का डैमेज कंट्रोल, नए विज्ञापन में देवेंद्र फडणवीस को मिली जगह। 2023 में भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में से होगा एक, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास का बयान। मारुति सुजुकी ने मई में ही बेच डाली 10,000 के करीब फ्रोनेक्स गाड़ी, लोगों को आ रही है पसंद। गूगल फोटोज में मिलेंगे गजब के फीचर्स, फोटो एडिट करना होगा आसान। लंदन में हैदराबाद की 2 महिलाओं पर चाकू से हमला, एक की मौत, पुलिस बोली उसी फ्लैट में रहता था हमलावर। नाइजीरिया के नाइजर नदी में पलटी नाव, सैकड़ों लोगों के मारे जाने की आशंका। रिलीज से पहले ही प्रभास की आदिपुरुष के बिके ओटीटी राइट से डील रही जबरदस्त। और बेटे करण देओल के रोका सेरेमनी में पिता सनी देओल ने किया जमकर डांस, वीडियो वायरल।